एक साहब ने यह पूछा है कि वो दस साल हो गए शादी को और बे औलाद हैं तो वो औलाद की तमन्ना है उन्हें तो पूछना चाहते हैं कि क्या करें आज तो आपने उसका हल बताया ही है बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया हमेशा अच्छा सवाल है और बड़ी ज़रूरत होती है इसकी एक तो आज में सो फजर की फजील बताई है कि बेटे की अगर ख्वाहिश हो तो एक सौ मरतबा सो फजर की तिलावत करें अब बारह मरतबा दरूद इब्राहिम भी पढ़ें और पढ़ के जो है वह दुआ कर लें अल्लाह से तो आप रोज़ाना हीमल कर लें कम अज़ कम तीन हफ़्ते तक तो ये अमल कर लें तो, तो बहुत अच्छा है और पानी दम करके पानी मिया दोनों पीते रहें तो इन श्ला जो है वह आप साहिब औलाद हो जाएंगे उसके अलावा आप जब कोई भी फ़र्ज़ नमाज या अपनी जो नवाफिर सुन नमाजें पढ़ें तो सलाम फेरने से पहले पहले सात मरतबा ये दुआ जो है जक्रिया अलीसलातम की जो दुआ है कि रबी ला तजर्नी फ़र दौँ व अनंत खेलवारी रबी ला तजर्नी फ़र दौँ व अनत खेलवारी यह सात मरतबा पढ़ के अब नमाज का सलाम फेरें तो सलाम फेरने से पहले सात मरतबा इसका कर लें और ये फोर्टी वन डेज या नबे दिन पाबंदी से करते रहें भी दोनों कर लें बहुत अच्छा है इन शाह जो ये साहिब औलाद हो जाएंगे और ये किसी भी किस्म की जो मवान रुकावटें वो दूर हो जाएंगी बहुत बहुत शुक्रिया